नमस्कार, मैं आशीष मंडल और आप देख रहे हैं खबर फास्ट डिजिटल। और इस वक्त हम खबर फास्ट डिजिटल के न्यूज़ रूम से लाइव हैं। आपको बता दें कि 4 जून को अर्थात जिस दिन लोकसभा के परिणाम आए थे उसी दिन एंट्रेंस नीट के भी नतीजे घोषित किए गए थे। जिसके बाद कई सारे आरोप लगे, धांधली के आरोप लगे, और उस आरोपों को खारिज करते हुए अभी जो खबर एक सामने आ रही है, बहुत बड़ी खबर है। यूजी नीट 2024 एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर ये खबर आ रही है। इस एग्ज़ाम में ये बताया गया कि अब तमाम वो 1563 स्टूडेंट्स जो थे, 1563 स्टूडेंट्स, उनके स्कोर कार्ड्स को नीट जो है उनके स्कोर कार्ड्स को रद्द कर दिए हैं। और ये वो छात्र हैं जो नीट ग्रेस मार्क जिनको दिए गए थे, अर्थात अब ग्रेस मार्क्स वापस ले लिए गए हैं और उनके उन स्कोर कार्ड को रद्द कर दिया गया है। अब इन छात्रों के जो 1563 छात्र हैं इनके एग्ज़ाम्स दोबारा से कराए जाएंगे, यानी कि री एग्ज़ाम्स होगा। और मैं आपको बता दूँ कि इस दोबारा से यानी कि री एग्ज़ाम्स होने से नीट के जो नए मेरिट लिस्ट बनेंगे उन पर खासे प्रभाव देखने को मिलेगा और काफ़ी असर देखने को मिलेगा। ये इसलिए क्योंकि अब उस मेरिट लिस्ट में कई सारे बदलाव हो सकते हैं, साथ ही साथ तमाम छात्रों के रैंक भी बदल सकते हैं। जो अभी जारी हुए थे हाल में ही 4 जून को जो रिजल्ट आए थे तो उसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा। अर्थात ये 1563 छात्रों के जो दोबारा से एग्ज़ाम कराए जाएंगे उस एग्ज़ाम से मेरिट लिस्ट पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि अब इनके ग्रेस मार्क्स को वापस ले लिया गया है और इनका री एग्ज़ाम्स होना है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक धांधली की खबर आई थी उसको देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया और अब उन तमाम छात्रों का जिन्हें ग्रेस मार्क दिया गया था वापस लेकर उनके री एग्जाम्स कराए जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट डिजिटल।